यहाँ पे कट गए हमारे टमाटर प्याज, जो कि मैंने पत्ते जूते काट दिए हैं। टमाटर यहाँ पे प्याज, ये दाल सेब, दाल सेब और नमकीन, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे बताओ, क्या चीज ऋषु? सवाल नहीं आता तुझे? आते हैं? नहीं आते। क्यों नहीं आते? मैडम ये है फिर अंदर, ये है ऋषि, ये है, ये है क्या? ये क्या होता है? दिमाग। दिमाग, दिमाग है तो दिमाग है ना, दिमाग तो दिमाग को यूज करो ना बेटा। चलो हे भगवान, मैं बड़ा कब होऊंगा, मैं सवाल कब करूंगा, चल दे अंदर चलो। ऐसे बोले हे भगवान मुझे इतना दिमाग दो तो मैं सवाल कर लूं, अभी दे देगा भगवान। चलो चले बेटा, चले हो गया खेल तो चले। अब इस लड़के का ना पढ़ने के टाइम बिल्कुल मन नहीं करता है, पढ़ने के टाइम पे कभी खेल इधर, कभी उधर, कभी इधर। अब हो गया चले भाई, कितनी बार बोलूं, बैठो पहले काम करो वहाँ पे। अबे फिला रखी है किताब, लेकिन मजा जो ये किताब पढ़ाई करे, जब तक ये थप्पड़ नहीं खाता ना तब तक ये काम नहीं करता है। रुक जा, बहुत देर हो गई, चलो चलो सवाल तो अभी सिखाओ ना, तुम बैठोगे ढंग से। चलो मैं बैठती हूँ। हेलो गाइस, जाओ खाना खाने, नींद आ रही है? सारी थाली वगैरह सजा दी मेरी बढ़िया, एकदम मस्त सब कुछ, थाली सलाद की, नमक की, नमक तो पहले सजा दी, जाओ अचार विचार सब रख दिए, जाओ भी। चले गए खाना खाने के लिए और मैं आ गई हूँ यहाँ पे दुकान में, तो थोड़ी देर बैठते हैं हम दुकान में जब तक ये खाना खाते हैं। कौन सा खाना ये? कौन सा? देख रही गाना वाला, दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप लोग? हम भी बढ़िया हैं और आशा करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये देखो आज बना रहे हम इसकी सब्जी, ये क्या है? तो ऐसा फूल मैंने फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम। अंजिता आज क्या बना रही है? दिख रहा है? दिख रहा है ये क्या है? नहीं दिख रहा। शिमला? आज तुम्हें पहुंचाऊंगी मैं शिमला। शिमला शिमला खाके जाओगे तुम शिमला। तो ये शिमला मिर्च की प्रोग्रेस कैसे कैसे कर रही है, मतलब तू क्या क्या डालेगी इसके अंदर? चल चल, बताओ तुम्हें क्या दिखाने। मैंने बोला ये देखो मुझे कैसे शिमला मिर्च मिले, मैं तो देखा ही नहीं आज तक ना, कभी देखा ऐसा शिमला ना? नहीं देखा ना, ऐसा जरूर देखा है। ऐसा ये देखो भी बिल्कुल ऐसा निकला जैसे एकदम ये लग रहा है कितना प्यारा फूल होगा ये। तो लो इसी बात में तुम्हें देती हूँ मेरी तरफ से, थैंक यू,
भाई वाह, बहुत होगी बातें भाई वाह, बहुत होगी बातें। ठीक है, रखो उसको साइड में। तो मैं जा रही हूँ आलू, शिमला मिर्च और ये सोयाबीन। कौन खाता है सब्जी? तुम तो मुझे ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है भाई साहब कहने। तो चलो 8 बज गए हैं, तो हम पटन बनाते हैं फटाफट से सब्जी। और टमाटर तो मैं अब अंदर ही काटूंगी। और बाबू मिल लेना, वो और जरूर बना देना। वो क्या? बूंदी का रायता। देखेंगे, अब टाइम मिलेगा तो। प्लीज बाबू प्लीज। पता है मुझे, मुझे पता ही रायता के बिना आपके गले में कुछ नहीं जाता, तो मुझे बताने जरूरत नहीं है। मुझे पता आपको रायता सब्जी साथ चाहिए, तो मैं अपना भी बना दूंगी। और वो रायता किसके साथ कैसे बनता है? वो कैसे बनता है? कैसे बनता है रायता? पता नहीं, उसकी रेसिपी बताऊंगी तुम्हें किसी और दिन। उसकी रेसिपी कैसे, बताएंगे किसी और दिन। तो मिलते हैं, बाय बाय थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब उठ जाओगे? त्रिशा, क्या था तुम्हारे स्कूल में आज? भंडारा था, भंडारा। कितने खाना खा गया है तू भंडारे में आज? पतली हो जाऊंगी यार। नहीं तो बताना पड़ेगा यार। नहीं क्यों? मैं अपना खाना नहीं बताती मैं कितना खाना खाती हूँ। वो दिख रहा तुम कितना खाना खाती हो। तभी तो कह रही हूं, मैं और पतली हूं। वो तो ऐसे दिख रहा है कि मुझे तो ऐसे दिख रहा है जैसे तुम बहुत ज्यादा खाना खाती हो ना। सही बात है, वो तो सबको दिख रहा है। देखो कितना खाना खाती है, देखो इसका सारा खाना ना इसके बालों में लग रहा है, शरीर में नहीं लग रहा। बाल में भी नहीं लग रहा आजकल, नजर लग गई ना। क्या जान जा रही सब भाग रहा है। रिसो गंदी बात, दीदी को नहीं मारते नहीं डले ही, मुझे नहीं पता क्यों मेरी बेइज्जती हो रही है। क्योंकि बेइज्जती इसकी हो रही है, गंदा लड़का ही दीदी को मारता है। मार, ये देख, इन दोनों में ऐसी लड़ाई होती है जिससे बराबर की। कहाँ ये 15 साल की, कहाँ ये अभी 4 साल का। इनकी ऐसी लड़ाई होती है जिससे बराबर के नहीं होंगे ना। इसको अक्कल है लड़की को, ना लड़के को अक्कल है। ओ दीदी, ओ दीदी, दीदी को भी अक्कल नहीं है और भाई को भी अक्कल नहीं है। रिसु यहाँ देखो, क्यों बिगड़ रहे हो तुम इतना? मार दो, दे दो 1 रुपए, दे दो बस। प्रसाद के लिए जा रही, कोई गंदी चीज के लिए नहीं जा रही। 1 रुपए, हम तो सुबह से शाम तो सुबह से शाम तक 1-1 रुपए दे दे के परेशान है। अभी मांगते पता नहीं कितने आ जाते हैं मंगलवार को। अरे तुम ही नहीं, पता नहीं कितने आते सुबह से। 1 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। मैं तो मंगलवार की आती हूँ। तुम लोगों काम काज नहीं हो, भट्टे कटे पड़े हो, तुम कमा के खा लो। है हमको नहीं कमाना। 1 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो। ये देखो ये किसी 100 रुपए मांग के लाए किसी से, बताओ। भाई हट जाओ, काम मत फैलाओ, काम मत फैलाओ। हम बढ़िया नहीं है, मेरे ना रात में पैर में मोच आ गई है बहुत भयंकर। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि मैं इसकी इसमें ना हल्दी और तेल लगा रही थी, तो इसमें ना सूजन आ गई है। तो क्रैक व्रैक तो शायद नहीं हो रखा, अगर क्रैक व्रैक होता तो शायद मैं पैर को टेक नहीं पाती, लेकिन मैं चल पा रही हूँ। और शायद ये पता नहीं मुड़ गया कैसे हुआ। तो रात को हमें यहाँ पर खड़ी थी बाहर गली में, दुकान बंद कर रहे थे हम, तो पीछे एकदम मेरे ना डॉगी आ गया, तो पीछे उसके ऊपर पैर पड़ गया। तो एकदम मैंने उसको बचाने चक्कर में ना मैं एकदम गिर गई नीचे, तो मैंने देखा नहीं, उसने भी नहीं देखा, वो तो बेचारा क्या देखता। तो पीछे से ना, तो उस टाइम तो मेरे आँख में इतना देर हो गया था, एकदम चक्कर से आ गए थे। तो रात को फिर मेरे पतिदेव जी ने मेरे वो मुँह की मालिश करी, तो मेरा ना दर्द इतनी हो रहा था रात भर। दर्द इसमें अभी भी नहीं है, लेकिन जब हल्का इधर तो इसको मोड़ रही हूँ तब जाके दर्द हो रहा, वैसे दर्द नहीं है। तो सूजन तो इसमें बहुत ज़्यादा है, तो जो किस्मत में होगा वो तो होना ही था। और मेरी इतनी ज़्यादा किस्मत ख़राब है भगवान, मुझे कल अपनी मम्मी को देखने जाना था, कल अपनी मम्मी को देखने जाना है मुझे। और मैं सोच रही कि रक्षाबंधन भी है तो मेरा भाई भी वहीं है, तो मम्मी जैसी मेरी तबीयत ख़राब हो रही, जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा होगा या नहीं देखा होगा जिन्होंने, तो मम्मी जैसे आई थी पहले यहाँ पर 3 महीने पहले,
तो पहले मम्मी क्लास यहाँ पे चला था जैसे, तो मम्मी को 3 महीने की दवाई दे रखी थी, तो अभी ना मम्मी की तबीयत ना ज़्यादा हो गई ख़राब, मतलब मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम से हो गई थी ना जो, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके ना नस बिल्कुल ज़्यादा वो हो गई है, बिल्कुल 95% मतलब बंद हो गई है, तो मम्मी का जल्द जल्द फिर वहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन क्या, वो छल्ले वल्ले डालते, क्या छल्ले होते हैं, छल्ले से डालते हैं, तो वो डले मम्मी के, तो मैं सोचा मम्मी यहीं पर आ रखी है अभी देहरादून में, तो मम्मी से मिल के आ जाते, क्योंकि हम अभी गाँव भी गए थे तो हम तब भी मम्मी से नहीं मिल पाए, तो अभी मम्मी कह रही कि आ जाए यहीं पर, तो मेरी बहन भी जा रही है, बहन जा रही दिल्ली से, देखती हूँ अगर मेरे पैर कल तक ठीक हो जाए तो जाऊँगी, अगर ऐसे ही रहा तो फिर मुश्किल जा पाऊँगी, अभी कुछ नहीं बोल सकते। तो बाकी फिर देखते हैं, पता नहीं भगवान मेरी किस्मत इतनी ख़राब है ना, जब तक कहीं जाने सोचती हूँ ना तब ऐसे हो जाता है। मैं इसमें कम से कम दिन में 3-4 बार इसमें जब तक सेक नहीं करूँगा तब तक ये ठीक नहीं होने वाला है, तो सुबह तो मैंने इसमें फिटकरी के पानी से, गर्म पानी से इसमें सेक लगाए हैं, उसके बाद मैंने इसमें हल्दी और तेल लगाया है। सूजन तो मुझे लगने लगी कम हुई, ज़्यादा ही जल लग रही मुझे बल्कि, तो मैं भी ना इसको ठीक करके छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। बाकी अगर नहीं होगा तो रात को मैं इसे बांधूंगी बैंगन, और बैंगन के बहुत तंत्र इलाज है, तो बस इसको एक बार मैं दोबारा सेकने लगाने जाने जा रही हूँ, मैंने पानी रखा हुआ गर्म करने के लिए, दोबारा इसको सेक लगाते हैं, फिर इसमें बांधती हूँ मैं कपड़ा, तो बस